हे गाइस, वेलकम टू साइको ऑनलाइन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसी की बात कर लेते हैं। एनी ग्रेजुएट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाओगे, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की। अगर आपको काम स्टार्ट करना है, आपको वर्क सीखना है एनजीओ के अंदर, आपको मौका नहीं मिल रहा, तो इसका फॉर्म भरिए, मे बी आपको चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। 28 के करीब पोजीशन है, पोजीशन ऊपर नीचे मतलब बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी, 28 से भी ऊपर जा सकती है। रेगुलर पोजीशन है और हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेन्यूअल होता रहेगा, और जो जॉब लोकेशन है आपकी वो काफ़ी बेहतरीन है। तो अगर आपने साइको वन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो बाकी चैनल को शेयर कर देना। और एक वीडियो और, ये आपकी जो बिग एनजीओ फेलोशिप थी जिसमें 80 पोस्ट हैं, भाई फेलोशिप में अप्लाई कर लेना। इसमें आपको आफ्टर फेलोशिप 1.5 लाख का आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट अमाउंट मिलेगा, इंसेंटिव अमाउंट 18,000 रुपये फेलोशिप, उसके बाद 6 लाख तक, 5 से 6 लाख की परमानेंट जॉब, ठीक है, पर एनम की। अभी बात करते हैं अपनी पोजीशन की। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बन रहे हो, ठीक है, तो देखो आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। आपको प्राइमरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, उसका साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा प्रोग्राम का। आपको जितने भी फील्ड लेवल के रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट होंगे वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। आपको डेटा कलेक्शन रिपोर्ट राइटिंग का काम करना पड़ेगा। आपको हेल्प करोगे आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को इन डेटा कलेक्शन केस स्टडी वगैरह में, ठीक है, ये सब में आप हेल्प, बाकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग द कम्युनिटी के बीच में भी आप लोग जाओगे। आपका नाम ही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइज करोगे आप, ठीक है। आप लोग वॉलेंटियर प्रोग्राम करोगे विद फायर फाइटर्स, ठीक है, और हेल्प करोगे प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर की, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे काम करोगे। देखो ये स्किल्स हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सीवी में ये स्किल्स ऐड हो जाएंगे, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी स्किल्स आपको इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। अब देखो पोस्ट कहाँ से आई है ये समझ लेते हैं। और देखो मंडी, कांगड़ा, ऊना एंड हमीरपुर, इन चार जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। और ये चारों प्लेसेस एक बेहद खूबसूरत जगह है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। 28 पोजीशन है टोटल, बहुत ज़्यादा पोजीशन है इस बार। अब यहाँ पर ना कुछ मिसप्रिंट है, तो जो एनुअल सैलरी नहीं, ये मंथली सैलरी है, मंथली आपको 23,000 से अबव मिलेगा, यानी कि आपका साल का हो जाएगा 2,76,000 से 3 लाख पर एनम तक। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तब अप्लाई करो तो आपको 3 लाख पर एनम मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2,76,000 करीब का पर एनम, मतलब 23,000 तक की सैलरी मिल जाएगी फ्रेशर्स को, एक्सपीरियंस को 28,000 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और आप रिपोर्टिंग करोगे प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एंड M&E ऑफिसर को। 28 पोजीशन है। अभी एक पोजीशन और है, उसकी बात भी करेंगे, वो पार्ट टाइम है, ठीक है, इसमें ही है। अभी देखो ये पोस्ट कहाँ आई है, द USN रिस्ट प्रोजेक्ट है आपका, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, द हंस फाउंडेशन। अभी देखो काफी बच्चे बोल रहे हैं सर हंस फाउंडेशन से रिप्लाई नहीं आया, हंस फाउंडेशन का रिप्लाई आपका लेट आता है, ठीक है, पहली बात। और अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है किसी रीजन से तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको वो सीधे ईमेल कर देंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर इस वाली पोस्ट में। बाकी अगर डिले हो रहा है तो अपने CV पर काम करो। मैं ऐसा करूंगा ना, कल या परसों में, मैं अभी फ्री हूँ पूरी तरीके से, तो कल या परसों में मैं आपको इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करूंगा CV इंप्रूवमेंट के ऊपर, CV कैसे बनाए, इंस्टाग्राम पर रील डालूंगा शॉर्ट में। तो जो मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने इंस्टाग्राम का, वहां मुझे फॉलो कर लो, वहां पर आपको अपडेट बहुत ज्यादा मिलती रहती है, एक बार चेक कर लेना इंस्टाग्राम में जाकर, ठीक है। तो ये आपकी दहंस फाउंडेशन, आपको हिमाचल प्रदेश में फुल टाइम पोजीशन, रेगुलर पोजीशन है, 28 पोजीशन बहुत होती है, आपको जॉब स्टार्ट करनी है अगर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर करना अप्लाई, आज ही पोस्ट आई है तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर फॉर्म भर लेना। यहाँ पर अपना CV अपलोड कर दो डायरेक्ट, या चाहो अपना नेम में भर लो खुद से ही, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस फ्रेशर नहीं है तो 0 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, करंट सैलरी नहीं है 0, एक्सपेक्टेड आप लिख दो, भाई फ्रेशर तो एक्सपेक्टेड वही लिखना, 22,000 रुपये, ठीक है। और कब तक आप ज्वाइन कर लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग होगी आपकी, अभी आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपको जॉब कहाँ से पता चली आप वो फिल कर देना, आपका कोई नोन कोई रिलेटिव हंस फाउंडेशन काम कर रहा है तो यस या नो लिख देना, और आप फुल टाइम करोगे फुल टाइम लिख देना, आपकी स्किल्स लिख देना। अब स्किल्स का लिखोगे यहाँ पर जो वहाँ पर दी हुई है, कहाँ पर दी हुई है स्किल्स, ये देखो, ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी स्किल्स यहाँ पर आप भरोगे तो आराम से फॉर्म भरना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और बस हो गया, एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ दो इसको, यहाँ पर अपना इंटर्नशिप तो करी होंगी, इंटर्नशिप डाल दो, वॉलेंटियरिंग डाल दो यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया,
यहाँ पे कैप्चा भरा और अपलाइन यहाँ पे क्लिक कर देना बजा के। ये होगी पहली पोजीशन की बात हमने कर ली जो थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, अभी बात करते हैं एक और पोस्ट आई है आपकी जो रहेगी आपकी कहाँ पर, अलवर पर, राजस्थान में पोस्टिंग होगी। ये पार्ट टाइम पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन ये भी एक सब रिन्यूअल हो जाएगी बट पार्ट टाइम है। यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे सिर्फ 3 घंटे काम करना है बेसिकली, और एक ही पोस्ट है यहाँ पर 10,400 रुपए पर मंथ मिलेगी क्योंकि पार्ट टाइम पोस्ट है। 3 घंटे दिन में काम करना है बस, हो गया। क्या काम करना है? कुछ नहीं करना है आपको, बस मैथ्स पढ़ानी है चिल्ड्रंस को, बस हो गया। रेमेडिकल क्लासेस लेनी है आपको और स्कूल्स वगैरह में जाकर आपको सिंपल सी मैथ्स पढ़ानी है। तो क्वालिफिकेशन देखो, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट बेसिक मैथ्स की नॉलेज आपको, मैथ्स बेसिक आपको आनी चाहिए। अगर बीएड कराया आपने, ठीक है, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी बीएड कराया प्रेफरेंस मिल जाएगी, बाकी एक्सपीरियंस इसमें नहीं भी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर कोचिंग क्लास में आपने पढ़ाया है ना कहीं, तो अपने सीवी में लिख दो, आपको प्रेफरेंस तब भी मिल जाएगी। अगर आप टीचर पार्ट टाइम बने जाते हो, अगर पार्ट टाइम लग गए तो आप परमानेंट भी हो जाओगे, अंदर जाके अंदर पहुंच जाओ ना बस। और यहाँ से इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, टीचर मैथ्स राजस्थान पार्ट टाइम पोस्ट है। बाकी देखो, मैंने आपको दोनों पोस्ट बता दी, अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है, काफी बच्चे सिलेक्ट हो भी रहे हैं इसमें। मैं आपको राजस्थान क्या था आपका, सोशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, वहां पर एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, उनका फीडबैक डाला था मैंने। बाकी इससे पहले मैंने यूपी का डाला था, अभी 2-3 बच्चे और सिलेक्ट हुए यूपी में, उनका फीडबैक डालूंगा एक दिन में। तो ग्रुप अपडेट है ना, कम्युनिटी अपडेट है ना। ठीक है, बाकी साइक अवेयरनेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है भाई, इसको जल्दी से भाई इसमें इसको शेयर करो, जल्दी से सब्सक्राइबर करो 1 लाख के करीब। तो बहुत कुछ नया लाने की सोच रहा हूँ, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करो 1 लाख के करीब, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बाकी जल्द मिलते हैं अच्छे अपडेट। तक थैंक यू सो मच।